नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अभिजीत शर्मा हमारे आपके हम सबके चैनल ज्योतिष ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घर में पेड़ पौधे लगाने से हरियाली आती है और घर में रहने वाले लोग हमेशा प्रसन्न व स्वस्थ रहते हैं, किंतु क्या आप जानते हैं कि आपके घर में लगे पेड़ पौधे बदल सकते हैं आपकी किस्मत। वास्तुशास्त्र अनुसार कुछ पेड़ पौधे सही दिशा में लगाए जाए तो यही पेड़ पौधे बन सकते हैं आपका लकी चाल। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताने जा रहा हूं जो बदल सकते हैं आपकी किस्मत। यदि आप भी चाहते हैं भाग्य का साथ तो गुड लक लाने वाले इन पौधों को घर में अवश्य लगाएं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वे पेड़ पौधे जो बदल सकते हैं आपकी किस्मत। यहां मैं आपको आपकी आवश्यकता अनुसार कौन सा पौधा आपको लगाना चाहिए इसके बारे में भी जानकारी देने जा रहा हूं। यदि आप पर किसी प्रकार का कर्ज है या लोन चल रहा है और कर्ज चुकाने में करना पड़ रहा है समस्याओं का सामना, तो मित्रों आपको शीघ्रता से घर में उत्तर दिशा में अनार का पेड़ लगाना चाहिए। अनार का पेड़ घर में लगाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का होता है आगमन। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं कि अनार का पेड़ सदैव मंगलवार के दिन व उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। मित्रों यह प्रयोग अवश्य कर देखें, कर्ज आसानी से चुक जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि आप हो रहे हैं आर्थिक रूप से परेशान या धन की कमी से रुक रहे हैं आपके काम, तो मित्रों कृष्णकांता की बेल घर के ईशान कोण में लगाकर खोल सकते हैं आप अपने स्वयं की तंगी से बंधे हाथ। जी हाँ, शास्त्र मत अनुसार कृष्णकांता की बेल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। वैसे तो बहुत से लोग इसे नाम से भी जानते हैं, किंतु इस बेल की और अच्छे से पहचान के लिए आपको बता दूं कि इस बेल में सदैव नीले फूल आते हैं। ऐसा माना जाता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी शुक्रवार के दिन अपने घर के ईशान कोण में इस बेल को लगा दे तो बन जाता है धनवान। अगर आपके भी घर में बेवजह होता है क्लेश या घर के सदस्यों में देखने को मिल रहा है मनमुटाव व नेगेटिविटी ने घर में कर लिया है वास, तो आपको गुरुवार के दिन हल्दी का पौधा घर की पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। आप स्वयं देखेंगे घर में कैसे छूमंतर हो जाती है नेगेटिविटी। साथ ही घर में किसी कन्या के विवाह में बेवजह देखने को मिल रही है देरी, तो वह कन्या इस हल्दी के पौधे की गुरुवार के दिन पूजा करें, विवाह योग में शीघ्रता से देखने को मिलेंगे शुभ परिणाम। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और नहीं लगता है उनका पढ़ाई में ध्यान या आपके हाथ में नहीं रुकता है पैसा, तो मित्रों आपको घर के बाहर की ओर अशोक का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अशोक का वृक्ष लगाने पर घर के सभी जातकों की स्मरण शक्ति तेज होती है व पैसा हाथ में रुकने लगता है, अर्थात व्यक्ति की सेविंग प्रारंभ हो जाती है। यदि आपके घर के सदस्य भी रहते हैं बीमार या बार बार लगती है आपको नजर, तो आपको पश्चिम दिशा में आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए। आंवले का वृक्ष लगाने से घर में नहीं प्रवेश करती है बीमारियां। साथ ही आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास भी बताया गया है और जहां विष्णु होते हैं वहां लक्ष्मी स्वयं चली आती है। अगर वैवाहिक जीवन में देखने को मिल रहा है उतार चढ़ाव या पति पत्नी में रहता है मनमुटाव, तो आपको घर में गेंदे का पौधा अवश्य लगाना चाहिए, जिसे हम हजारे का पौधा भी कहते हैं। गेंदे का वृक्ष लगाने से आपका बृहस्पति मजबूत होता है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। शास्त्रों में तुलसी के पौधे का खास महत्व बताया गया है। तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। इस पौधे में समस्त प्रकार की नेगेटिविटी को नष्ट करने की ताकत होती है, किंतु ध्यान रहे कि दक्षिण दिशा में भूलकर भी इस पौधे को नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को सदैव उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना बताया गया है अतिशुभ। तो मित्रों यह है वह 8 पौधे जिन्हें घर में लगाकर आप बना सकते हैं स्वयं का लकी चार्म। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल ऐसी एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।